हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने कल लहसुन साफ करी थी। पूरे छत पे लहसुन के छिलके ही हो रहे थे, तो मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगाया है और अभी थोड़ी लहसुन और बाकी है, यहाँ टब में रखी है। और अभी सुबह सुबह साफ़ कर दिया, शाम को नहीं किया था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो सारा उड़ उड़ के इधर आ रहा था। अब मैं नहा ली हूँ, नहा के मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाने के बाद ही सारा काम करूंगी। पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने झाड़ू निकाल लिया सब दूर और फिर नहा ली। अब मंदिर जाके आके ने फिर खाना बनाऊंगी। ये देखो गैस की हालत, थोड़ी सी देर में चाय निकाल दी, मैं इसको पूरी कर दी, थोड़ी देर से करूँगी। पहले मैं खाना बना लूँ किट्टू के लिए, लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ मैं मंदिर जाके आई तब तक इन्होंने ना चाय निकाल दी, तो बस उसको थोड़ी देर से साफ़ करूँगी, कड़ा चेंज कर लूँगी और किट्टू के लिए खाना बना के उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। उसको स्कूल जाना है, फिर लेट हो जाएगा अगर इधर साफ सफाई में लग जाऊंगी तो। खाना बनाने के बाद ही सब साफ़ करूंगी फिर। तो उसके टिफिन के लिए आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ। पराठे नहीं दूंगी क्योंकि सब्ज़ी है तो फिर वो रोटी के साथ खा लेगा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी बहुत सारे काम होते हैं तो सुबह का वीडियो मैं कम बनाती हूँ। तो यहाँ टिफिन पैक कर दिया मैंने किट्टू के लिए और फिर अब मैं लगूँगी। खाना बन गया है मेरा, खाना बना लिया, उसके बाद मैं अभी राख निकालूँगी क्योंकि इसको भी साफ करना है। खाना बनाने के बाद झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी। मैं वॉश बेसिन साफ़ कर दूंगी। इसको मैंने हार्पिक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, मैं इसको हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। और कपड़े भी धुल रहे मशीन में तो उनको भी निकाल लूँगी, साथ के साथ पानी भी भर लिया है। तो इतना काम मेरा रोज़ का होता है, सुबह और भी होता है सारा, तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है इसमें। तो बस इसको साफ़ करके ना, मोटर चली रही है तो मैं कपड़े भी हाथ के हाथ इनको निकाल लूँगी इसमें से और डाल दूँगी। तो यार मेरे पास का सारा काम करने के बाद थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने सोचा इन पौधों को देख लूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको भी इनकी देख रेख भी नहीं हुई है।
पानी डाल देते हैं रोज़ नवा। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे थोड़े बहुत पौधे इधर रख दूँ, क्योंकि ये जो रेलिंग लगी है ना, यहाँ बच्चे आके ना झाँकते हैं तो गिरने का डर होता है। पहले मैंने इसको मेटी को बांध रखा है, लेकिन फिर भी सही से बंधी नहीं है ना वो, तो मैं यहाँ रख दूँगी इनको, तो वो डायरेक्टली वहाँ जाएंगे नहीं। और नन्नू का भी डर होता है कभी इधर उधर ले जाओ काम में, तो वो भी फिर मैं लटकती है। और इनमें भी थोड़ी जगह हो जाएगी तो एक दूसरे को हवा लगेगी। इनकी थोड़ी सेटिंग बदल दूंगी ना, बताना कैसी लगेगी आप। और गमले तो एक भी नहीं है, सारे ऐसे डब्बे डब्बे काट के ने रखे हैं लाने, लेकिन अभी तो इनसे ही काम चला लेते हैं। ये भी किस काम के आएंगे, सब तो फूट गए थे तो वह इनमें भी मिट्टी भर के लगा दी है अभी तो फिलहाल के लिए। और यहाँ मैंने खेत से मिट्टी मंगवाई थी उनसे, क्योंकि मेरे को और धनिया लगाना है। तो ये टब भी फूट रहा है, ऐसे टब दो तीन और फूट रहे हैं। तो अभी तो ये एक लिया है, इसमें भर के ना मैं धनिया लगाऊंगी। और जो पहले अभी बीच में 8 दिन पहले जो धनिया लगाया था ना, वो भी बस उगने लगा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे, देखिए। तो इसको अच्छे से मैं देख लूंगी साफ करके, ने फिर इसमें धनिया डालते हैं। ये वाला धनिया दूसरा जो घर का है ना, वही है। तो मैं इसको डाल के देखते हैं ये उगेगा कि नहीं। तो ये पुदीना है, इसको ना मैंने यहाँ रख दिया, ये जो पिलर की जगह थी ना यहीं पे। और ये बाल्टी है, ये भी फूट रही है, तो मैं इसमें भी छेद करके ने जो मिट्टी बची है अभी थोड़ी टप में भरने के बाद जो बची है वो इसमें डाल दूंगी। तो इसमें मैं छेद कर दूंगी, गर्म हो जाएगा पेचकस ने। छेद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर पानी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा में जो पानी होता है वो नहीं निकलेगा, तो मिट्टी सड़ जाती, फिर अच्छे से पौधे चलते नहीं है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।